मध्य प्रदेश के खंडवा दादाजी धाम के मंदिर निर्माण को लेकर छोटे सरकार और उनके साथियों सहित दादाजी भक्तों ने एक आंदोलन छेड़ दिया है और आज प्रेस वार्ता कर दादाजी भक्तों ने बताया कि 84 खंभों को लेकर शहीद दादाजी मंदिर को लेकर मार्बल पिछले कई सालों से रखा हुआ है। 22 एकड़ दादाजी धाम में जगह है और दादाजी मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वह मार्बल को दादाजी धाम में नहीं आने देते। पिछले कई सालों से 20,000 से 30,000 रुपए प्रतिमा किराया भक्तों को भरना पड़ रहा है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि दादाजी मंदिर ट्रस्ट के लोगों की कुछ लोगों की हर धर्मिता के चलते मंदिर निर्माण नहीं हो पाया। दादाजी के सभी भक्तों का यह एकमत होकर निर्णय है कि दादाजी मंदिर का निर्माण हो, जहां देश में सभी धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हो रहा है और उन्हें भव्य रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सभी दादाजी भक्तों की इच्छा है कि खंडवा में भी दादाजी के भव्य मंदिर का निर्माण हो और खंडवा में दादाजी मंदिर का जो प्रभाव है वह पूरे देश और दुनिया में और बढ़े। इस बात को लेकर आज यह प्रेस वार्ता की गई कि कल परसों माफ़ कीजिएगा 4 तारीख को दादाजी भक्त दादाजी मंदिर नए मंदिर के लिए पत्थर को लेकर दादाजी मंदिर में भेंट करने जाएंगे और अगर दादाजी मंदिर स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है, अस्वीकार करता है तो दादाजी भक्त एक बार फिर बैठक करके आगे किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में रूपरेखा तय करेंगे। आइए पूरे मामले को लीड कर रहे दादाजी भक्त राजेश डोंगरे की बात आपको सुनवाते हैं कि किस तरह की सभी भक्तों की रूपरेखा है और किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कितने लोग शामिल होंगे, कहां कहां से कहां कहां पत्थर रखा गया है। आपको बता दें कि माता चौक और आनंद नगर सहित शनि मंदिर पर फिलहाल पत्थर रखा गया है और वहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खंडवा शहर में अनाउंसमेंट भी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परसों निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल हों और दादाजी मंदिर हजारों की संख्या में पहुँचे ताकि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन पर उन्हें ये बात समझ में आए कि सभी दादाजी भक्तों की इच्छा है कि भव्य मंदिर का निर्माण दादाजी धाम में हो और सभी भक्तों की इच्छा पूरी करने का काम मंदिर ट्रस्ट के लोग करें। आइए जिन लोगों ने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी उनकी बात आपको सुनवाते हैं। किस तरह की तैयारी है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान है? हम लोग पत्थर आया हुआ मार्बल का उसको भेंट करने के लिए जा रहे हैं और ताकि मंदिर बनाने में सुलभ काम हो। मंदिर के कुछ ट्रस्टी बोल रहे हैं भाई हम भी तैयार हैं, हम सहमत हैं इस बात के लिए कि मंदिर बने, मार्बल का ही मंदिर बने, लेकिन वो जब वक्त आता है तो मुकर जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और उस दिन जब दशहरे के दिन सारे पत्रकारों ने भी बोला था कुछ करना चाहिए, उसी दिशा में हमने निर्णय लिया कि 11 फरवरी के दिन पवित्र दिन है उस दिन पत्थर रखे जाएंगे। तो 4 ट्रालियों में सजा धजा के पूजन करके वो पत्थर देने जाएंगे। तो करेंगे हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, लोगों का इतना दबाव रहेगा कि अपने आप मंजूर करना पड़ेगा। शहर के बहुत सारे लोग आएंगे, दबाव बनेगा, निश्चित रूप से वो मान जाएंगे। इसके अलावा अब स्थिति ये बनी, सरकार भी इसमें लगभग सहमत से नज़र आ रही है और इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के पश्चात लोगों में भी जागरण होगा, लोग भी इस बात को समझेंगे शहर के लोग और आगे कार्रवाई होगी, इतना मुझे विश्वास है। कितना बड़ा आंदोलन देखने को मिला? देखिए ये आंदोलन नहीं है की भावना है और दादाजी भक्तों की भावना है, जो भी आ रहे हैं हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सब दादाजी के भक्त आ रहे हैं और वे जाके अपनी मांग वहाँ रख रहे हैं। जो ट्रस्टी वो भी कहते हैं, उन्होंने आज तक नहीं कहा मंदिर बनाना है, पर वो क्या बीच में कमियाँ आ रही हैं उसको लेने के लिए हम सब जा रहे हैं और बैठ के हम आप लोगों को भी उसके बीच में बिठाएंगे कि यदि हम जो कह रहे हैं हम उससे न फिरें और वो जो कह रहे हैं उससे न पलटें, एक प्रयास है हम लोगों का। ये संगमरमर पड़ा हुआ है, कितना बड़ा किस मंदिर का ये मामला है, संगमरमर कितना पड़ा हुआ है, कब से है और क्या पूरा मंदिर बन जाए इतना संगमरमर है, करीबन 85 ट्रक संगमरमर है और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जो भी पैसा लगेगा उसके बाद भी यदि ट्रस्ट उसमें योगदान करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें दादाजी भक्त
भक्तों के मिल के हम हाथ फैलाएंगे, जैसे उस वक्त मिला था, आप लोगों ने सबने बताया कि 5 पसेरी हीरे जवाहरात मिले थे, पैसे मिले थे उस वक्त के 10,000, तो वैसे हम जनता से मांग करेंगे। और छोटे सरकार साहब का हमको कहा गया है कि पैसे की कमी हम आप लोगों को नहीं आन देंगे, उनके भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, तो पैसे की कमी का हम वो जैसा चाहें हम लोगों से, और उसके बाद हम मंदिर ट्रस्ट को दे देंगे, हम ट्रस्ट में भी नहीं आना चाहते हैं। पर जो खंडवा के हित की बात है, खंडवा के उसकी बात है, उसके लिए कम से कम आप हमें सहयोग करें और आप लोग भी बीच में रहें, ऐसी हम लोगों की मांग है। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।